नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बागेश्वर आगमन का कार्यक्रम तय हो गया है। अपर जिला अधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शनिवार की दोपहर 1:50 पर डिग्री कॉलेज मैदान में पहुँचेंगे। लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवन में कुछ देर विश्राम के पश्चात मुख्यमंत्री 2:40 पर मंडलसेरा स्थित भाजपा के कार्यालय का शुभारंभ करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी करेंगे। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को बागेश्वर पहुंच रहे हैं। बागेश्वर पहुंचकर उन्हें विकास कार्यों की समीक्षा करनी है तथा भारतीय जनता पार्टी के नव निर्मित भवन का लोकार्पण भी करना है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा संगठन भी सक्रिय हो गया है। रात्रि प्रवास के बाद मुख्यमंत्री अगले दिन शनिवार को अधिकारियों के साथ बागेश्वर में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के बागेश्वर आगमन से विकास की कई घोषणाएं हो सकेंगी। मुख्यमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम है 23 तारीख को जो है वो बागेश्वर पहुँच रहे हैं अपराह्न 2 बजे, और सबसे पहले उनका जो मंडलसेरा में जो भाजपा का एक कार्यालय खुला है उसका लोकार्पण करेंगे। उसके बाद उनके जो है उनकी बीजेपी के जो भी सामने प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं और उनके जहाँ उनकी बैठक वगैरह है जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के हैं, और रात्रि शाम को जो लोक निर्माण विभाग बागेश्वर में है। उसके बाद दिनांक 24 तारीख को जो है प्रातः 9:45 से एक समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे विकास भवन सभागार में, जिसमें सभी जनपद स्तरीय अधिकारी जो है उसमें प्रतिभाग करेंगे। कल अपने जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दोनों हमारे वरिष्ठ नेतागण बागेश्वर पहुंच रहे हैं, और जो कि बागेश्वर में विभिन्न जो कार्य हुए हैं उन कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। उसके उपरांत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम भी उनके द्वारा होना है, और उनका कल रात्रि विश्राम भी हमारे बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का रहना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बागेश्वर आगमन की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर और भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। बागेश्वर पहुंचकर मुख्यमंत्री को इसी नवनिर्मित भारतीय जनता पार्टी के विशालकाय जो भवन है इसका लोकार्पण करना है, पार्टी को उसको समर्पित करना है, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करके बागेश्वर के विकास पर भी उनको चर्चा करनी है। बागेश्वर पहुंचकर वो क्या बागेश्वर के विकास के लिए क्या घोषणाएं करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।